सीड जर्मिनेटर। सबसे पहले आपको डोर ओपन कर लेना है। डोर ओपन करके आपको इसमें यहाँ से पानी डालना है, यहाँ से ऊपर से मैं पानी डाल लेना। पानी जब आपका इसमें फुल हो जाएगा मशीन ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। उसके बाद अपना आपको डोर लॉक कर लेना है, अच्छी तरीके डोर लॉक कर लेना। डोर लॉक करने में सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल है, ये हीटिंग का इंडिकेटर है, ये कूलिंग का इंडिकेटर है, ये ह्यूमिडिटी का इंडिकेटर है, ये लाइटों का टाइमर है, ये इनके स्विचेस है, लाइटों के स्विचेस है ऑन ऑफ के। इससे लाइटें आप 25, 50, 100 इस तरीके से आगे जल के 25 होगी, ये 50 होगी, ये 75 होगी और ये 100 लक्स होगी, 100 लक्स होगी। इस तरीके से आपको लग सकते हो ऊपर टेम्परेचर। सबसे पहले टाइमर आएगा, एमसीबी उठा के आपका टाइमर, सबसे लाइट का टाइमर आपको कितना यूज़ करना है टाइमर। इसमें आप आवर डॉट मिनट कितने घंटे चलाना है और कितने मिनट चलाना है वो आप डाल सकते हो। और इसके बाद है ऑफ टाइमर, आपको कितने घंटे लाइट ऑफ रखनी है। 5 घंटे मैंने डाल रखा है अभी बाइट बॉल्ट और 8 घंटे बाइट बॉल्ट इसमें ऑन रहेगी लाइटें। उसके बाद ये आ गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको सेट करना है। टेम्परेचर सेट बटन दबाना है, सबसे पहले आपको टेम्परेचर सेट कर लेना, जैसे कि प्रोजेक्ट जो वर्ड इसमें चैम्बर में चाहिए 20 डिग्री। आपको 20 डिग्री सेट कर लेना, 20 डिग्री आपको अप करके टेम्परेचर सेट हो गया। उसके बाद आपका ह्यूमिडिटी आएगा, RH आएगा, RH से आपको 80 करना है। आप यहाँ 0 करके एरो को बटन से आगे जाके इसको 80 कर लीजिए, 80 से करना तो आपका। और यहाँ टेम्परेचर आपको प्लस माइनस 2 रखना है, ये आपका 0 रहेगा। ये डिस्प्ले आ गई है 7 डिग्री टेम्परेचर अभी प्रेजेंट है और 40 आपकी प्रेजेंट ह्यूमिडिटी है, जो सेट वैल्यू है टेम्परेचर 20 है और 80 ह्यूमिडिटी सेट है। ठीक है, सेम है इसी चैम्बर में सेम प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग डिफरेंट डाल सकते हो। ऐसे सपोज दैट मेरे को इसमें टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री, तो मैंने 15 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया। ह्यूमिडिटी मुझे इसमें 90 चाहिए तो मैं इसमें 90 सेट कर सकता हूँ। और ये 2 और ये 0 रहेगा सिंपली ऐसे ही। इसमें टाइमिंग, लाइट के टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप 12 घंटे लाइट चला जाते हो, मैंने 12 घंटे इसमें 9 घंटे लाइट चला सकते हो घंटे में, 9 घंटे लाइट चला कर सकते हो। और ये टाइमर लाइट आपको ऊपर रखनी है, आपको इसका टाइमिंग सेटिंग चेंज करनी है तो आप टाइमिंग प्रोग्रामिंग जाके सेट कर सकते हो। ये एंटर बटन 3 सेकंड में प्रेस करोगे तो सेटिंग मिल जाएगी इसकी। सेटिंग में आप इसमें टाइमर बंद रहेगा आपका और बाय डिफॉल्ट रहेगा, ये 9 रहेगा। उसके बाद आवर मिनट जो आप सेट करना चाहते हो, आवर में करना चाहते हो, मिनट में कर सकते हो, डे में कर सकते हो या ओनली आवर में कर सकते हो। आवर डॉट डेट टाइम इसमें आप जो आपने टाइमिंग सेट किया है आप इसमें आप 12 घंटे आप इसमें 12 घंटे भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ से आपको उधर 12 घंटे में करना है तो 1 12 अभी 12 घंटे के लिए हो गया। इस तरीके की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो और टाइमिंग भी आप मिनटों में आउट डाल सकते हो। अभी 12 घंटे मशीन ऑन रहेगी और उसके बाद 4 घंटे के लिए लाइटें ऑफ हो जाएंगी। लक्स में आप 25, 50, 75 और 100 की तरीका ध्यान रखें तो विदाउट वाटर ना चलाएं, तो पानी अपना जरूर डाल के लाएँ। इसके अंदर पानी डालते रहें और धीरे इसके यहाँ जो वाटर है उसको क्लीन करते रहेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर है उसको डे टू डे क्लीन करते रहना।